नमस्कार दोस्तों, मैं सतीश कुमार कलसी फिर से आपका स्वागत करता हूं अपने कलसी एसोसिएट्स और यूट्यूब चैनल वी मेक होम में। तो फ्रेंड्स, जो फ्रेंड्स नियर मेट्रो के चाहते हैं 2 BHK बिल्डर फ्लोर, उनके लिए ये प्रॉपर्टी बहुत अच्छी रहने वाली है। मेट्रो स्टेशन से सिर्फ हमारा 200 से 250 मीटर ये हमारी प्रॉपर्टी रहेगी, बिल्कुल जस्ट मेट्रो के साथ ही रहेगी, सीधा रोड हमारे फ्लैट्स की तरफ आएगी। फ्रेंड्स, फ्रेंड्स 2 BHK का बिल्डर फ्लैट और जो कि हमारा स्टेटेड रहेगा दिल्ली वेस्ट, उत्तम नगर, भगवती गार्डन, नियर मेट्रो स्टेशन द्वारका मोड़ मेट्रो स्टेशन। डाइमेंशन की बात करूं तो हमारा 75 स्क्वायर यार्ड सुपर एरिया, ऑन पेपर 64 स्क्वायर यार्ड, लिफ्ट के साथ कार पार्किंग और रजिस्ट्री लोन के साथ। फ्रंट साइड जो रोड रहेगी हमारी 20 फीट रोड रहेगी। तो फ्रेंड्स, जो भी इसमें एसेसरीज रहेंगी सभी ब्रांडेड, हमारी जैगवार की फिटिंग्स रहेगी, एंकर के स्विचेस रहेंगे, ब्रांडेड आपकी टाइल्स रहेंगी और ऑयल पेंट रहेगा, सभी ब्रांडेड आपको चीज़ मिलेगी। तो फ्रेंड्स, लिफ्ट के साथ कार पार्किंग के साथ काफ़ी अच्छा ये फ्लैट रहने वाला है। 2 BHK फिल्डर फ्लैट ये रहेगा। आप मेट्रो से आएंगे 30 फीट रोड से आपकी कनेक्टिविटी रहेगी और हमारे फ्रंट में 20 फीट रोड रहेगी। और इस फ्लैट की फेसिंग की बात करूं तो वेस्ट फेसिंग रहेगी, आपका सारा दिन इसमें लाइट्स और धूप रहेगी। हम चलते हैं अपने फ्रंट एलिवेशन में। और इससे पहले, अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें। अभी मैं अपने फ्लैट्स की फ्रंट एलिवेशन पर खड़ा हूँ, आप देख सकते हैं फ्रंट एलिवेशन 30 फीट का इसका वाइड फ्रंट रहेगा और दो फ्लैट फ्रंट पे ही रहेंगे हमारे। एक हमारा फ्लैट फर्स्ट फ्लोर रहेगा राइट साइड का और सेकंड लेफ्ट साइड का जो हमारा अवेलेबल रहेगा, बाकी हमारे सोल्ड हो चुके हैं। तो फ्रेंड्स, फ्रंट पे आप देख सकते हैं पार्किंग के लिए दो बड़े गेट लगाए गए हैं, दोनों तरफ आपके वाइड रोड रहेंगे, आपका सीवरेज मिल जाएगा, आपको गैस पाइपलाइन इसमें अवेलेबल है, आप देख सकते हैं गैस पाइपलाइन लगी हुई है और इसमें आपका सीवरेज, आपका पानी, दिल्ली जल बोर्ड और BSES के मीटर भी हमारे लगे हुए हैं। ये जो रोड देख रहे हैं आपका, जस्ट यहीं से लेफ़्ट होते ही आपका मेट्रो स्टेशन आ जाएगा और इस तरफ से भी आप कनेक्टिविटी आपकी इजी है। रोड्स आप देख सकते हैं, वाइड रोड रहेगी आपकी, 20 फीट वाइड इसमें रोड रहेगी। तो फ्रेंड्स, अब चलते हैं अपने फ्लैट की एंट्री में। ये जैसे ही मैं एंट्री करूँगा हमारी पार्किंग आएगी और देख सकते हैं फुल कार पार्किंग मिलेगी, इसमें कोई भी ऑक्यूपाई हमने नहीं किया। तो फ्रेंड्स, इस तरफ हमारा मीटर सेक्शन, आपको मीटर हम अवेलेबल लगवा के दे रहे हैं। ये हमारे मीटर्स आप देख सकते हैं सभी लगे हुए हैं और पार्किंग आप देख सकते हैं, गाड़ियों की पार्किंग लगी हुई है इजी, अभी गाड़ियां और भी आपकी इजी लग जाएंगी। इस तरफ हमारा वाटर सेक्शन रहेगा, ये हमारी स्टेयर्स रहेंगी और इस तरफ हमारी लिफ्ट रहेगी। जैसे ही मैं लिफ्ट से निकलूँगा तो मैं अपने फ्लैट्स की एंट्री पर आ जाऊँगा। ये हमारे फ्रंट पे दो फ्लैट्स रहेंगे, एक हमारा फ्लैट ये रहेगा, एक हमारा इस तरफ रहेगा। तो एंट्री की बात करूँ तो वेस्ट फेसिंग की तरफ हमारी एंट्री रहेगी, ये हमारा बेल का सेक्शन रहेगा, MCB बॉक्स रहेगा। और जैसे ही मैं अपने फ्लैट्स में एंट्री करूँगा तो एंट्री करते ही आप देखिए ऊपर की तरफ दिखाइए फॉल सीलिंग और उसमें आपका फॉग लाइट ब्लू कलर की और इसमें आपकी लाइट्स लगी हैं, LED लाइट्स। और इस तरफ भी स्टार्टिंग में भी हमारा टेक्चर किया गया है दोनों तरफ। और जैसे ही मैं एंट्री करूँगा तो अपने ड्राइंग रूम में एंट्री करूँगा और आप देख सकते हैं ये हमारा ड्राइंग रूम रहेगा और 14.5 by 10 का हमारा ये ड्राइंग रूम रहेगा। आप देख सकते हैं काफ़ी खूबसूरत वॉलपेपर
डिजिटल वॉलपेपर यूज़ किया गया है। और इसमें एसी के लिए हमारा स्प्लिट एसी की फिटिंग्स इसमें रहेगी। और ऊपर एक बार दिखा दीजिए, फॉल सीलिंग काफ़ी अच्छी, फॉल सीलिंग फोक लाइट के साथ, एलईडी लाइट के साथ। और इसमें वेंटिलेशन के लिए हमारा एक शॉफ्ट भी रहेगी। ये शॉफ्ट हमारी इस ड्राइंग रूम के साथ, हमारी एक वॉशरूम के साथ और प्लस एक हमारी बेडरूम के साथ भी अटैच रहेगी। तो अगर ये आप स्पेस देख सकते हैं, काफ़ी यू शेप में आपका स्पेस निकल रहा है, जिसमें इजी आपका सोफ़ा लग जाएगा। तो फ्रेंड्स, अगर ये सोफ़ा इस तरफ रहेगा तो सामने की तरफ आपका एलईडी का प्रोविज़न दिया गया है। एलईडी का प्रोविज़न आप देख सकते हैं, एलईडी पैनल काफ़ी खूबसूरत कलर कॉम्बिनेशन में और काफ़ी अच्छा बनाया गया है। नीचे ड्रॉर दिए गए हैं और इसमें रैक्स भी दिए गए हैं। तो फ्रेंड्स, अगर मैं अपने ड्राइंग रूम में खड़ा हूँ तो मैं आपको मैप समझाने की कोशिश करता हूँ। जैसे ही मैंने एंट्री की थी तो ये हमारा ड्राइंग रूम था, और इस तरफ भी हमारा एक वॉशरूम और एक बेडरूम रहेगा। और मेरे फ्रंट 20 फीट वाइड रोड की तरफ एक हमारी किचन निकल रही है, जो कि क्लाइंट्स की डिमांड रहती है कि वेंटिलेशन के लिए हमारा किचन हमेशा फ्रंट में रहना चाहिए, जिससे कि वेंटिलेशन आपको प्रॉपर मिलती है। और एक हमारा मास्टर बेडरूम, जिसके साथ अटैच बैल्कनी प्लस आपका एक वॉशरूम रहेगा। तो फ्रेंड्स, ये हमारा 2BHK फ्लैट्स रहेगा। और अब मैं वन बाई वन करके आपको फ्लैट्स दिखाता हूँ। और जैसे ही मैंने, ये हमारी एंट्री थी, और एंट्री के इस फर्स्ट ये हमारा एक बेडरूम रहेगा। अगेन आपका डिजिटल वॉलपेपर रहेगा, स्प्लिट एसी की फिटिंग रहेगी, अगेन आपकी फॉल सीलिंग रहेगी, फॉल सीलिंग में भी आपका एलईडी लाइट्स रहेंगी। और इसमें आपको एक अलमीरा में भी दोनों तरफ आपका माइका रहेगा, अंदर की तरफ ड्रॉर रहेंगे। तो हमारा जो बेड रहेगा, तो सामने की तरफ एक काफ़ी खूबसूरत एलईडी पैनल, अगेन आपका वुडन और वाइट कलर में। एक हमारी शॉफ्ट रहेगी वेंटिलेशन के लिए, ये हमारी शॉफ्ट रहेगी। ये था हमारा फर्स्ट बेडरूम, और फिनिशिंग आप देख सकते हैं, काफ़ी अच्छी फिनिशिंग हमने दी है। और ये हमारा एक कॉमन वॉशरूम रहेगा। फ्रेंड्स, कॉमन वॉशरूम में भी आप देख सकते हैं, बॉटम टू रूफ आपकी टोटल्स हमने टाइल्स वर्क किया गया है, ब्राउन और क्रीम कलर की आपकी जो टाइल्स रहेगी। इसमें वेंटिलेशन के लिए एक विंडो, जिसमें आपका वेंटिलेशन एग्जॉस्ट लग जाएगा, और लाइट्स प्रॉपर दी गई है। फिटिंग्स जो भी रहेंगी जैगुआर की रहेंगी। और फ्रेंड्स, ये हमारी वॉश बेसिन, जिसमें नीचे आप कुछ भी अपना सामान रख सकते हैं। जैगुआर की ही टॉयलेट सीट रहेगी, प्रॉपर आपको फिटिंग्स इसमें मिल जाती है। हमारा एक ड्राइंग रूम रहेगा, मैंने आपको ड्राइंग रूम दिखा चुका हूँ। और ये हमारा इंटरकॉम, यहीं से इसकी फैसिलिटीज़ आपको सबको पता है, यहीं से आप अपना डोर खोल सकते हैं, आप उनसे बात भी कर सकते हैं, और अगर आपके कोई नॉन टू है तो आप उसपे ओपन कर सकते हैं। ये हमारा एलईडी पैनल जो मैं दिखा चुका हूँ। अब हम चलते हैं अपने किचन की तरफ, लेडीज़ डिपार्टमेंट। और लेडीज़ डिपार्टमेंट में भी आपका काफ़ी अच्छा स्पेस दिया गया है। इसमें हमारा 10 फीट लंबी ये हमारी किचन रहेगी, और इस तरफ से हमारी 4.5 फीट हमारी वाइड रहेगी, जिसमें स्पेस आपको मैं दिखाऊंगा काफ़ी अच्छा, 2-3 लोग इजी इसमें काम कर सकते हैं। उससे पहले मैं आपको दिखा दूं, एंट्री से पहले ही वुडन का वर्क किया गया है ये। इसमें कुछ भी डेकोरेटिव पीसेस रखने के लिए आपके, और ड्राइंग रूम की लुक को बढ़ाने के लिए काफ़ी अच्छी मिरर के साथ कॉम्बिनेशन बनाया गया है, और इसमें लाइट्स लगा दी गई हैं। और ये हमारा किचन आप देख सकते हैं, 10 फीट लंबा रहेगा। और इसमें जो ग्रेनाइट यूज़ किया गया है, ब्लैक कलर का इसमें ग्रेनाइट यूज़ किया गया है, वाइट कलर की आपकी टाइल्स रहेंगी। और जो वुडन का वर्क किया गया है, उसमें माइका आपका पर्पल और आपका वाइट कलर का यूज़ किया गया है। इसमें चिमनी आपकी इसमें हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, और ऊपर की तरफ इसमें पार्टीशन दिए गए हैं, इजी आप अपना सामान रख सकते हैं। और ये जो स्पेस दिया गया है हमारा फ्रिज का रहेगा, इजी आपका फ्रिज इसमें किचन में ही आ जाएगा। नीचे की तरफ आपका मॉड्यूलर किचन रहेगा, और
ये हमारी सिंक रहेगी, अगेन जैगवर की फिटिंग्स रहेंगी। सामने की तरफ विंडो दे दी गई है, 20 फीट रोड पे निकल रही है, इजी आपका वेंटिलेशन प्रॉपर, एग्जॉस्ट भी लगाएं तो कोई दिक्कत इसमें वेंटिलेशन की नहीं रहेगी, प्लस आपकी चिमनी भी है। पावर के स्विच आपको मिल रहे हैं और इस तरफ भी आपको आरओ के लिए भी यहाँ से पॉइंट अगर चाहते हैं तो ये आपको पावर का मिल जाता है। तो फ्रेंड्स, टाइल्स वर्क आपका 6 फीट हाइट तक किया गया है जिससे कि आपका किचन काफ़ी क्लीन रहेगा। और अब हम चलते हैं अपने सेकंड बेडरूम की तरफ। ये हमारा सेकंड मास्टर बेडरूम रहेगा और देख सकते हैं काफ़ी स्क्वायर में ये हमारा मास्टर बेडरूम रहेगा, 10x10 का ये हमारा मास्टर बेडरूम। और देख सकते हैं सामने की तरफ जितने भी वॉलपेपर लगाए गए हैं सभी हमने डिजिटल लगाए गए हैं और सभी में स्प्लिट एसी की आपको फिटिंग्स मिल रही है। और इसमें अटैच एक वॉशरूम रहेगा। फ्रेंड्स, इस तरफ हमारा अगर बेड रहेगा तो सामने की तरफ एलईडी पैनल आप एक बार दिखा दीजिए, काफ़ी खूबसूरत एलईडी पैनल सब में ही आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, तीनों रूम्स में आपको एलईडी पैनल मिल रहे हैं। और इस तरफ विंडो, हमारी बैल्कनी अटैच। और इससे पहले मैं आपको वॉशरूम दिखा दूँ, ये हमारा एक अटैच वॉशरूम रहेगा। अटैच वॉशरूम में भी आपको शावर, आपकी फिटिंग्स, डायरेक्ट वाटर की एक टैप, आपकी जैगवार की सीट्स, आपका गीज़र के पॉइंट्स, आपके लाइट्स के पॉइंट्स और एक वेंटिलेशन के लिए हमारी विंडो। तो फ्रेंड्स, लाइट प्लस आपका वेंटिलेशन के लिए एग्जॉस्ट फैन हमारे वॉशरूम की काफ़ी ईजी रहेगी। और बालकनी की मैं बात करूं तो बालकनी भी जो हमने स्पेस निकाला गया है 10x4 का स्पेस निकाला गया है जिसमें इजी 4 कुर्सियां आप इजी रख सकते हैं, प्लस आप वॉशिंग एरिया भी बनाना चाहते हैं तो इसको इजी बना सकते हैं। स्क्वायर में आपका 4 फीट आपको स्पेस प्रॉपर मिल रहा है और इस तरफ आपका 10 फीट हाइट का आपको स्पेस इसमें मिल जाता है। तो फ्रेंड्स, स्टील की आपकी रेलिंग रहेगी 304 की आपकी, जिसमें कि आपका कोई भी जंग लगने का कोई चांस नहीं होता। तो फ्रेंड्स, फ्रंट रोड दिखा दीजिए आप, काफ़ी वाइड रोड जो मैं आपको पहले भी नीचे दिखा चुका हूं और प्रॉपर रेजिडेंशियल एरिया है, आप दिखा सकते हैं काफ़ी सभी आपको घर ही मिलेंगे। और मैंने जो बताया था फेसिंग की बात करूं तो वेस्ट फेसिंग की है, इस तरफ इस वक्त भी आप देख सकते हैं धूप प्रॉपर आ रही है आपके घर पर, प्रॉपर धूप रहेगी। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आपका एक पावर का पॉइंट और एक आपकी टैप्स रहेगी, ये आपका एरिया वॉशिंग मशीन का आपका प्रॉपर मिल जाता है। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा भगवती गार्डन में 2BHK बिल्डर फ्लैट जो कि नियर आपका मेट्रो स्टेशन से 200 से 250 मीटर सिर्फ आप वॉकिंग करेंगे तो मेरे ख्याल से 1 से 2 मिनट के बीच में आप अपने फ्लैट्स पर पहुँच जाएंगे वॉकिंग, इतनी ही नज़दीक है फ्रेंड्स, बहुत नज़दीक हमारा फ्लैट्स। और भगवती गार्डन में 2BHK लिफ्ट कार पार्किंग लोन के साथ फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, अगर आप इसमें विजिट करना चाहते हैं तो हमारे नंबर्स पर कॉल करें और बुकिंग फिक्स करें, हम आपको ये फ्लैट्स दिखाएंगे और इसके प्राइस के लिए आप हमें कॉल कीजिए। फ्रेंड्स, इसी के साथ मैं आपसे लेता हूं इजाज़त और नेक्स्ट होली आने वाली है, आपको होली की शुभकामनाएँ हमारी तरफ से और हमारी टीम की तरफ से। तो इसी के साथ अपना कीमती समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।